नमस्कार, मैं हूं सतीश मेहरा। व्यक्ति की सफलता में संयम, समर्पण और स्वभाव का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जिस व्यक्ति में यह सद्गुण है, जीवन में उस व्यक्ति की सफलता सुनिश्चित है। इन सभी गुणों से परिपूर्ण है माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी, जिनकी सफलता का सफर बेहद रोचक, रोमांचकारी और प्रेरणादायक है। 25 जनवरी 1970 को अंबाला जिला के मिर्जापुर गांव में एक साधारण परिवार में जन्मे नायब सिंह सैनी धार्मिक प्रवृत्ति के स्वभाव के चलते 1990 के दशक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े। उन दिनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शहरों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को जोड़ने की कवायद में लगा था। तब युवावस्था में ही नायब सिंह सैनी को संघ की गतिविधियों का पता चला और वह RSS से जुड़कर संघ के कार्यालय पंचकुला पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात संघ प्रचारक श्री मनोहरलाल खट्टर से हुई। इसके बाद संघर्ष और समर्पण के साथ लगातार RSS की गतिविधियों में भाग लेने लगे। मनोहरलाल खट्टर के साथ बाहर फील्ड में जा जाकर काम सीखा। जब मनोहरलाल को उनके समर्पण और कार्यक्षमता का आभास हुआ, तो उन्होंने नायब सिंह सैनी को कंप्यूटर सीखने की भी सलाह दी। तब श्री सैनी ने अपने गुरु के आदेशों का पालन किया और कंप्यूटर में भी पारंगत हुए। कंप्यूटर पर काम करते हुए फील्ड का काम भी देखने लगे। PR, पत्राचार, प्रेस और पब्लिक डीलिंग के कार्य में एक्सपर्ट भी हो गए। यहाँ तक आते आते श्री सैनी ने मनोहरलाल खट्टर और अन्य संघ प्रचारकों का दिल जीत लिया था। उनके इसी समर्पण को देखते हुए मनोहरलाल खट्टर ने संघ के कार्यालय में ही उनके रहने का इंतजाम भी कर दिया था। श्री सैनी अब तक इस बार सारे काम के साथ साथ मनोहरलाल खट्टर की कार भी चलाते रहे। इस प्रकार से राजनीति और फील्ड के काम में उन्होंने अपने आप को ऑलराउंडर बना लिया था। श्री नायब सिंह सैनी ने अपने सैनी समाज के संगठन के साथ मिलकर समाज को भी आगे बढ़ाने का बेहद काम किया। उधर मनोहरलाल खट्टर ने RSS संचालक से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में पदार्पण किया और साथ ही अपने शिष्य श्री नायब सिंह सैनी को भी पार्टी में शामिल करवाया। भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवाने के बाद नायब सिंह सैनी को 2009 में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में नारायणगढ़ से चुनाव मैदान में उतारा। हालांकि 2009 में हुए चुनाव में श्री सैनी चुनाव हारे ही नहीं बल्कि 5वें स्थान पर रहे थे। इस चुनाव में उनका मुकाबला कांग्रेस पार्टी के गुर्जर नेता चौधरी लाल सिंह के बेटे रामकिशन से था। 5वें स्थान की स्थिति के बावजूद भी उनके मन में हार का मलाल नहीं हुआ, बल्कि वे और ज्यादा जोश और जुनून तथा उत्साह के साथ लगातार आगे बढ़ते रहे। उनकी इस प्रबल भावना और दृढ़ इच्छा शक्ति के चलते सन 2012 में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अंबाला जिला का अध्यक्ष बनाया। श्री सैनी ने युवा मोर्चे में रहते हुए न केवल अंबाला जिले में बल्कि GT रोड बेल्ट में पार्टी के लिए जबरदस्त काम किया और 2014 आते आते GT रोड बेल्ट क्षेत्र में पार्टी का जनाधार बढ़ाया। 2014 में नारायणगढ़ से फिर पार्टी ने उनको उम्मीदवार बनाया और भारी मतों से चुनाव जीतकर हरियाणा विधानसभा में पहुंचे। तब मनोहरलाल के नेतृत्व में वे मंत्री बने और उनके दिशा निर्देश में लगातार काम करते रहे। इसके बाद फिर 2019 में अपने राजनीतिक गुरु श्री मनोहरलाल खट्टर के आदेश से वे कुरुक्षेत्र लोकसभा का चुनाव लड़े और सांसद भी बने। भारतीय जनता पार्टी ने 2023 में ओम प्रकाश धनखड़ के स्थान पर प्रदेश में पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। अध्यक्ष रहते हुए हरियाणा में जो काम उन्होंने किया, इसके चलते वे भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री श्री अमित शाह सहित अन्य नेताओं के दिल में जगह बना चुके थे। इन दोनों आला नेताओं के मन में श्री नायब सिंह सैनी के प्रति प्यार केवल एक दो दिन में नहीं पनपा था, बल्कि उनकी 25 वर्ष की त्याग, तपस्या और सेवा भावना भी थी, जिसके चलते 12 मार्च 2024 को नायब सिंह सैनी को प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में राज्य की बागडोर सौंपी गई। फिर
क्या था, उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने चुनाव आचार संहिता के चलते केवल मात्र 3 महीने काम करने के लिए मिले। मात्र अपने 3 महीने के कार्यकाल में प्रदेश में जो तीव्र गति से कार्य किया और हर वर्ग के लिए विशेष रूप से जरूरतमंद वर्ग के लिए धड़ाधड़ फैसले लिए, अपनी इस कार्यशाली के चलते श्री सैनी हरियाणा के लोगों के दिल में छा गए। उन्होंने 2024 में करनाल से उपचुनाव जीता और वे विधायक बने। चुनाव के दौरान लोग यहां तक कहने लगे कि नायब सिंह सैनी को 1 वर्ष पहले हरियाणा की बागडोर मिल जाती तो भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में वोट मांगने तक की जरूरत नहीं पड़ती। श्री सैनी ने अपने छोटे से कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ाया। जब फिर से भारतीय जनता पार्टी द्वारा उनका विधानसभा क्षेत्र बदल दिया गया और वे लाडवा से चुनाव लड़े और भारी मतों से जीते। परिणाम स्वरूप 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उनके नेतृत्व में 48 सीट जीत कर एक कीर्तिमान स्थापित किया। भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी हरियाणा की जीत का श्रेय नायब सिंह सैनी को देते हुए उनकी पीठ थपथपाई। आज श्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में श्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ ग्रहण की है। यह शपथ ग्रहण समारोह ऐतिहासिक रहा क्योंकि मौका हिंदू संस्कृति के दो त्योहार दीपावली और दशहरा के बीच महर्षि वाल्मीकि जयंती का था। यह समारोह इसलिए भी ऐतिहासिक रहा कि नायब सिंह सैनी के शपथ समारोह में जहां एक और देश के प्रधानमंत्री उपस्थित रहे, वहीं एनडीए शासित प्रदेशों के 20 से भी अधिक मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह का गवाह बने। प्रदेश के लोगों को पूरी आशा, विश्वास और भरोसा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में श्री नायब सिंह सैनी इसी तीव्र गति से काम कर प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे। श्री नायब सिंह सैनी को प्रदेश के मुख्यमंत्री का पदभार संभालने पर हार्दिक बधाई और ढेरों शुभकामनाएं। इसी के साथ साथ आप सभी को महर्षि वाल्मीकि जयंती की भी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। धन्यवाद। नमस्कार।